Hi everyone, I'm Neha. Hi, I'm Ashish. Welcome back to our channel, Indian Couple in Europe. तो जैसा कि आप सबको पता है, हमारे मम्मी डैडी आए हुए हैं, तो हम आज के वीडियो में कवर करेंगे कि लाइफ इन नीदरलैंड्स कैसी है और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनको कौन सी चीज़ें हैं जो उनको काफ़ी अच्छी लगी और कौन सी चीज़ें हैं जो उनको नॉट सो गुड लगी, बट वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। सो आप यहाँ आना चाहते हैं, आपके मम्मी पापा यहाँ आना चाहते हैं घूमने के लिए, या आप यू वांट टू सी कि यहाँ पे जिंदगी कैसी होती है, तो इस वीडियो में हम आपको अनबायस व्यू दिखाएंगे मम्मी पापा के एक्सपीरियंस से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी स्टार्ट दिस नाउ। तो अभी पूछते हैं मम्मी पापा से उनका एक्सपीरियंस कैसा था। तो आपने क्या चीजें यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा पसंद, क्या चीजें आई? सबसे पहले तो जैसे ईमानदारी मेरे को यहाँ की बहुत अच्छी लगी है। यहाँ लोग बहुत ईमानदार हैं। हम सुपरमार्केट में जाते हैं, वहाँ पर जैसे मान लो मैंने 10 चीजें उठा ली, यदि मैं चाहूँ तो वहाँ 9 चीजों की पेमेंट दे दूँ, एक चीज छुपा भी सकता हूँ, परंतु यहाँ पर कोई भी किसी की चीज को चेक नहीं करता और ना ही कभी मन में आता है भी कोई चीज छुपाए। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ ईमानदारी बहुत ज्यादा है। ये मैंने पहले भी सब बताया था कि सब्जी मंडी में जाते हैं तो हमारे को वेट करनी पड़ती है कि आप सब्जी के पैसे दें। और कई की जगह पे हम सैर करने को गए, वहाँ पर मैंने देखा कि अंडे पड़े थे, आलू पड़े थे, कई चीजें पड़ी थी, वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं था। वहाँ पर अपने हिसाब से वहाँ रेट्स लिखे हुए थे, उतने यूरो डालो और अपना लिफाफा उठा लो, और लोग वहाँ से उठा रहे थे। हम बीच में घूमने गए तो 2 घंटे बाद घूम फिर के उस जगह पे आए, हमारा बैग छूट गया था वहाँ से, हमने देखा तो बैग वहीं पड़ा था। बेसिकली ये जितने भी एग्जांपल्स हैं, ये ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट की एग्जांपल्स हैं जो हमने, जो मम्मी पापा ने काफी एक्सपीरियंस किया। इसके साथ साथ जो हमने नेक्स्ट चीजें यहाँ पे काफी नोटिस की हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन यहाँ पे काफी है। एटलीस्ट हम नेहा एंड मैंने तो यही ऑब्जर्व किया। मम्मी पापा से पूछते हैं उन्होंने ऐसी कोई चीज देखी यहाँ पे। हमने ये देखा कि जैसे पेट्रोल पंप पे जाओ, वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं होता, खुद अपना वो उठाओ और पेट्रोल डालो, जितने का डालना है उतने यूरो कटवा दो, कोई भी यहाँ वो नहीं है। उसके बाद डस्टबिन का है, डस्टबिन पे कार्ड लगाओ, अपना लिफाफा डालो और वो डस्टबिन बंद कर दो। तो बेसिकली जैसे अपने एटीएम के कार्ड्स होते हैं, वैसे यहाँ पे डस्टबिन का भी, बिन के भी आपको कार्ड्स दिए जाते हैं, जिससे यू नीड टू स्वाइप इट एंड उसके बाद ही वो ओपन होता है। एंड मम्मी आपने कुछ ऐसा नोटिस किया हो यहाँ पे? जब हम घूमने जाते हैं तो सड़क क्रॉस करते हैं तो बटन लगे हुए हैं, बटन दबाओ और ग्रीन हो जाए तो क्रॉस कर सकते हो, आप जा सकते हो। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये। तो बेसिकली ये यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं जो शायद मम्मी पापा ने आपको दिए हैं, बट ये यहाँ पे काफी अच्छी चीज है। मैंने यहाँ पर ये देखा है कि लोगों की, लोग बिल्कुल शराफत की जिंदगी जीते हैं, कोई किसी में अकड़ नहीं है, बिल्कुल आराम से बोलते हैं, चाहे हमें इनकी भाषा पसंद नहीं आती, फिर भी जब कभी हम शहर पे निकलते हैं तो हमें ये हाय हेलो अपनी भाषा में करते हैं और हम भी इनको हेलो का जवाब हेलो से दे देते हैं। मेरे को ये बहुत अच्छा लगा इनका। एंड मम्मी आपने कुछ ऑब्जर्व किया? हम अपने शहर में पोती को लेके जाते हैं तो रास्ते में वो खिलौना गिर जाए तो खुद अपने आप उठा के दे देते हैं। हमारे को बहुत अच्छा लगता है ये कि खुद उनको कहने की जरूरत नहीं है, खुद उठा के देते हैं। तो बेसिकली मम्मी डैडी का यहाँ पे कहने का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे काफी हम्बलनेस है एंड उसके साथ जितनी भी सिविक सेंस होती है वो सभी में है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। एंड डैडी आपने कुछ ऑब्जर्व किया? इसके बाद मुझे ये चीज और अच्छी देखने को मिली कि यहाँ साफ सफाई का ये लोग बहुत ध्यान रखते हैं। जब भी कभी हम सड़क पे चलते हैं तो ये नहीं देखते कि ये कूड़ा किसने खिला रखा है, किसने फैला रखा है, ये खुद उसको उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं। यदि डॉगी ने भी पोटी कर दी तो ये अपने हाथ पे लिफाफा लगा के उसको उठाएंगे और जाके डस्टबिन में फेंकेंगे। यहाँ पे यही कहने का मीनिंग है कि यहाँ पे साफ सफाई का बहुत ध्यान दिया जाता है एंड अभी इंडिया में भी जो इनिशिएटिव स्टार्ट हुए हैं इस रिस्पेक्ट में, आई थिंक वो बहुत अच्छी चीज़ है। एंड अब सब जो भी इंडिया से ये वीडियो देखेंगे, अब हम सभी छोटी छोटी चीज़ का ध्यान देंगे तो अपना आस पड़ोस तो साफ हो ही जाएगा, अपना इंडिया भी बहुत अच्छा साफ एंड हाइजीनिक हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे इंडियन फेस्टिवल में भी आप गए थे, तो आपको वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? इंडियन फेस्टिवल में हमारे, हमने वहाँ देखा, वहाँ भंगड़ा भी था, वहाँ इंडिया की तरह समोसे थे, जलेबी थी, ये सब कुछ खाने को मिला। और उसके बाद यहाँ इंडिया जैसे मंदिर भी हैं, बिल्कुल इंडिया वाले मंदिर हैं, राधा स्वामी सत्संग घर है, गुरुद्वारा है, यहाँ सभी कुछ इंडिया जैसा है, कोई ऐसी बात नहीं है इंडिया वाला कि वो नहीं है। एंड जिस फेस्टिवल में हम गए थे वहाँ की अच्छी चीज़ क्या थी कि वहाँ पे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया सभी जगह की परफॉर्मेंसेस थी। आपको उसमें सभी जितने भी इंडिया की बहुत अपनी इतनी डाइवर्सिटी है वो सब वहाँ पे डिस्प्ले पे था। तो वहाँ पे जब भी आप एज ए इंडियन वो सब फेस्टिवल्स देखते हैं, स्पेशली अब बच्चों के साथ आप जाते हैं तो उनको भी उससे एक्सपीरियंस हो जाता है कि इंडिया में ये सब फेस्टिवल्स कैसे होते होंगे, सो विच इज़ क्वाइट गुड टू सी। एंड इसके बाद आपने, जब आप कहीं पे गए हो बच्चों के पार्क में, आपने कुछ ऑब्जर्व किया वहाँ पे? हम बच्चों को पार्क लेके जाते हैं तो वहाँ पे पार्क में कारपेंटर बिछा होता है, बहुत अच्छा है, बच्चों को कोई चोट का डर नहीं है, वहाँ पे आराम से बच्चे खेलते रहते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने तो वही देखा, वहाँ के जो झूले हैं बिल्कुल देखने वाले हैं, बच्चे वहाँ बहुत खुश होते हैं।
और फिर सबसे बड़ी बात जो मैडम ने बताई है कि वहाँ पर बच्चों के गिरने का कोई भी डर नहीं है, बच्चे गिर भी जाएं तो उनको कोई चोट नहीं लगेगी। ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत पसंद आई। एंड डे केयर, और डे केयर जो है यहाँ के बहुत बढ़िया है। वहाँ जब बच्चों को मैं अपनी पोती को छोड़ने गया हूँ तो इतने प्यार से वो बच्चों को लेते हैं कि बस कुछ बता ही नहीं सकते। तो ये तो बातें हुई कुछ ऐसी चीज़ों की जो मम्मी पापा को यहाँ पे काफ़ी पसंद आई। अभी कुछ बात होगी ऐसी, आई थिंक जो आप फर्स्ट टाइम इंडिया से आएंगे काफ़ी आपको डिफरेंट दिखेंगे इंडिया से, तो उस वो मम्मी पापा के एक्सपीरियंस पूछते हैं कि उन्होंने यहाँ पे क्या ऐसी यूनिक चीज़ें देखी। ये देखी कि जैसे हमारा कोई योजना नहीं, जैसे मान लो सुबह तो धूप थी, हमने कहा वहाँ जाके वीडियो शूट करेंगे, घंटे बाद ही वहाँ मौसम ठंडा हो गया और बरसात आनी शुरू होगी। और एक मेरे को यहाँ जो चीज़ पसंद नहीं आई वो ये है कि यहाँ पर टॉयलेट पेपर यूज़ करते हैं, यहाँ पर जेड बिल्कुल भी नहीं है, और हम इंडियन लोगों को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बेसिकली यहाँ का जो वेदर है वो शायद सबको पता ही है कि विंड स्पीड बहुत हाई होती है, एंड आई थिंक यहाँ पे आप आएंगे तो जो इंडियन जेट के यूज टू हैं वो आपको जब आप फर्स्ट टाइम आओगे यू विल फाइंड इट डिफरेंट। यहाँ पर मैंने ये देखा है कि महंगाई बहुत है, जैसे डे केयर है अच्छा बहुत है परंतु महंगाई है। यहाँ पर सब्जी देखो और कुछ देखो, सब चीज़ महंगी है। जैसे हम शुरू में आए थे तो हमारा कोई चीज़ खाने का मन नहीं करता था क्योंकि हम जो है उसको इंडिया करेंसी से वो करते थे, परंतु जो लोग यहाँ कमा रहे हैं यहाँ खा रहे हैं उनके लिए ये कोई महंगा नहीं है, परंतु इंडिया वाले लोगों को ये महंगा ही लगता है। और इसके बाद हमने ये देखा कि जो शॉर्ट ये लगा हमारे को कि 16 साल के बच्चे होते ही यहाँ अलग हो जाते हैं, यहाँ फैमिली ज्वाइंट नहीं रहती और इंडिया में जो है ज्वाइंट फैमिली रहती है। जहाँ पे मम्मी पापा हैं वहाँ, जहाँ पे हम हैं जहाँ से, वहाँ पे काफ़ी ज्वाइंट फैमिलीज हैं। जितनी आपकी फैमिलीज हैं सब आस पास में ही है। आई थिंक विद इन सिटीज तो आपको दिख जाएंगी कि मे बी ए कपल इज स्टेइंग या छोटी फैमिलीज हैं, बट आई थिंक आउटसाइड ऑफ द मेन सिटीज आपको अभी भी इंडिया में देखोगे तो ज्वाइंट फैमिलीज काफ़ी दिख जाएंगी, एंड वैसा ही एक्सपीरियंस मम्मी पापा का भी है इंडिया में। तो यहाँ पर सारा काम खुद को करना पड़ता है, यहाँ पर कोई भी किसी आदमी की हेल्प नहीं मिलती, मशीनें हैं। मैंने कई बार देखा कि पार्क में और में अपने घर के पास सभी लोग खुद ही काम कर रहे होते हैं और यहाँ पर काम खुद ही करना पड़ता है, अपने को किसी की हेल्प नहीं मिलती है। और बाकी यहाँ जो है टच भाषा चलती है जो कि इंडियन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, ये बात भी मेरे को बहुत अजीब सी लगी। ठीक है यहाँ रहने वाले टच वालों को तो अच्छी लगती है, पर मेरे को ये बात बहुत अजीब लगी कि मेरे को इनकी भाषा की बिल्कुल भी समझ नहीं आई। एंड एक ये चीज़ मैंने भी यहाँ पे देखी है कि आप सपोज इंडिया से आएंगे एंड आपको डच नहीं आती है, इंग्लिश आएगी तो यहाँ पे मैक्सिमम पीपल स्पीक इंग्लिश तो आपकी कम्युनिकेशन उनसे हो जाएगी, बट सपोज आपको इंग्लिश भी ढंग से नहीं आती है एंड आपको सपोज डच भी नहीं आती है तो क्या होता है कम्युनिकेशन काफ़ी टफ हो जाता है। आप सुपरमार्केट में भी जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या कन्वर्सेशन है, एंड आपको कभी किसी की बातें समझ आ जाती हैं तो आई थिंक ह्यूमन की यही टेंडेंसी होती है कि किसी की बातें सुनने का भी अपना ही मजा आता है, दैट कैसी यहाँ कन्वर्सेशन होती हैं। बट अगर आपको डच भी नहीं आती है इंग्लिश भी नहीं आती तो वो थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। एंड डैडी ने जो फिफ्थ पॉइंट में बताया कि डू इट योरसेल्फ, वो भी यहाँ का आई थिंक एक ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ पे आने के बाद भी समझ में आएगी, क्योंकि इंडिया में जो काफ़ी चीज़ें आप एज्यूम हो जाती हैं कि ये चीज़ें हो ही जाएंगी ऑटोमेटिकली, वो यहाँ पे नहीं होंगी, एंड एवरीथिंग यू नीड टू डू। अभी मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया कि मुझे कुछ चीज़ें पसंद आई कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई। यदि ठीक है आप आओ बच्चों के पास आओगे तुम्हारा एक्सपीरियंस भी तुम बताओगे, बाकी यहाँ यदि रहने लग जाओ तो डच भाषा भी समझ आने लग जाती है, बहुत अच्छे से बोलते हैं वैसे ये, परंतु मेरे को इनकी भाषा बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तो बेसिकली डैड का कहने का मीनिंग यही है कि जब आप आएंगे ना आपको काफ़ी चीज़ें थोड़ी सी फर्स्ट टाइम बहुत पसंद आएंगी, कुछ चीज़ें थोड़ी डिफरेंट दिखेंगी, बट आई थिंक इफ यू आर स्टेइंग फॉर सम फ्यू वीक्स देन आपको थोड़ा थोड़ा उसमें यूज टू हो जाओगे, क्योंकि हमने भी देखा जब डैडी फर्स्ट टाइम गए थे सब्जी मंडी या सुपर मार्केट जाते थे काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती थी कि उसने क्या कहा क्या नहीं कहा, बट ह्यूमंस को आपको ये तो पता ही होगा आई कॉन्टैक्ट से बॉडी लैंग्वेज से हैंड गेस्टर से आपको समझ आ जाता है कि सेकंड जो आपके सामने है उसका क्या मैसेज है, तो आप टाइम के साथ उसके यूज टू हो जाओगे। एंड डू इट योरसेल्फ, अभी हम भी यहाँ काफ़ी टाइम से हैं तो हम भी उसके यूज टू हो चुके हैं, अभी मम्मी भी यहाँ आए हैं तो डिश वॉशर मम्मी भी उसके काफ़ी यूज टू हो चुके हैं, तो जो चीज़ें आपको स्टार्टिंग में आने पर थोड़ी सी डिफरेंट दिखती हैं विद पैसेज ऑफ टाइम वो अच्छी हो जाती हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपके मम्मी पापा आएंगे तो आप उनको भी ये वीडियो दिखाना क्योंकि उनको भी आइडिया हो जाएगा कि व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट। मम्मी डैडी वीडियो के एंड से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? अब लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो, आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड एंड यू गॉट एन आइडिया व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट जब भी आप यहां पे आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वी सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।